हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनको दिक्कत आती है कि उनके फ़ोन हैंग होते हैं, स्पीड नहीं आती है और बैटरी की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पांच काम आपको करने हैं। पांच काम करके आपका फ़ोन इतनी स्पीड से चलेगा, ना ही बैटरी आपकी लो होगी, ना ही हैंग होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की ब्राइटनेस ऑटो मोड में रखनी है, ठीक है दोस्तों। उससे क्या होगा कि आप ऑटो मोड में रखेंगे तो अपने आप वो कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग होती रहेगी, लाइट के अकॉर्डिंग। दूसरा काम आपका ये है कि आपको अपने फ़ोन में जो फालतू के एप्लीकेशन होते हैं वो सब हटाने हैं, बाकी आपको जो यूज़ करने हैं वही एप्लीकेशन खाली रखने हैं। इसके बाद आपका तीसरा काम दोस्तों आपका बहुत ज़रूरी है कि आप देखते होंगे अपना फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे तो आपका वहाँ स्टोरेज का एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपका दिखाता है कि आपकी वीडियोज़ कितनी हैं, एप्लीकेशन कितने हैं, ये सब आपको दिखाता है। उसमें इतने GB के एप्लीकेशन, इतने GB की वीडियो। उसके बाद एक ऑप्शन होता है उसमें कैचे वाला, तो दोस्तों जो कैचे का जो स्टोरेज उसमें दिखाता है 700 800, किसी किसी की 1 GB से ऊपर कैचे हो जाता है, तो उसको आपको जो है रिमूव करना वहाँ से, यानी कि इरेज करना, ख़त्म करना वहाँ से। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ से वो पूरा इरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वहाँ से उसको पूरा कैचे आपको क्लीन करके रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, आपको लाइव करके दिखाता हूँ। और हाँ, तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल 5 मिनट ट्रिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं आपको करके दिखाता हूँ वो पांच काम जो आपको अपने फ़ोन में करने होंगे अपनी बैटरी हैंग होने से या फिर उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं करके दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहला काम आपको बताया था कि आपको करना है अपनी ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये ब्राइटनेस है, इसको आपको ऑटो पर करना है और आप यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको सही लगे। ऐसे मेरी को इतनी ठीक लग रही है, मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी, इसके बाद सेकंड काम बताया था मैंने आपको, फालतू के एप्लीकेशन फ़ोन में एक भी नहीं रखना है। तो मान लीजिए ये जैसे कि मेरा कोई काम का नहीं है तो मैं इसको अभी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, इसको अनइंस्टॉल कर दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरा काम था आपको अपने फ़ोन का स्टोरेज सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में आपको आपको यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन मिलता होगा फ़ोन में, आपको ये देखिए स्टोरेज है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारा जो ये दिखा रहा है कैश्ड डाटा दिखा रहा है दोस्तों, इसको आपको क्लीन करके रखना है, ठीक है। तो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, कैलकुलेटिंग इसकी हो रही है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कैश्ड है मेरे मेमोरी के अंदर। तो देखिए कैश्ड हो गया, ये दिखा रहा है कि 475 MB, यानी कि किसी किसी का 1 GB से ऊपर हो जाता है, जो लोग कभी नहीं करते, मैं करता रहता हूँ, इसलिए 400 है फिलहाल में। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से ये बोल रहा है कि क्लीन करने के लिए, क्या आप इसको क्लीन करना चाहते हैं, तो बोल दीजिए यस, ओके, ठीक है, ओके करेंगे तो आपको देखना यहाँ पर बढ़ जाएगा मेमोरी का, अभी 1407 दिखा रहा है ना, देखिए बढ़ गया है ना, हमारा कैचे भी यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा काम आपका ये था। और चौथा काम आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो तो वो बैकग्राउंड में रन होता रहता है, आप बंद कर देते हो जैसे कि आपने बंद कर दिया, बट वो बैकग्राउंड में रन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना भी कोई, जैसे मैंने ये खोल लिया, मैं आपको एक एप्लीकेशन खोल के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अपनी कवाई ऐप खोली, ठीक है, तो ये खोल तो ली लेकिन ये बैकग्राउंड में रन होती है। तो आपको इसको कैसे करना है, तो इसको आप थोड़ी देर जैसे यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, इस पर थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा, या फिर सेटिंग के अंदर जाके, ऐप्स के अंदर जाके आप यहाँ आ सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शन देखते हैं, फोर्स स्टॉप, अनइंस्टॉल एंड क्लियर डाटा। तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको ये सेकंड ऑप्शन दिखेगा क्लियर कैचे, तो आपको कैचे को यहाँ से क्लियर करना होगा, सारे ऐप्स का जो बैकग्राउंड में रन होते हैं वो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको बैकग्राउंड बंद करने के लिए आपको फोर्स स्टॉप करना होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा क्लियर भी हो गया, फोर्स स्टॉप भी हो गया, ठीक है। तो चौथा काम आपका ये हो गया। पांचवा काम दोस्तों आपका ये है कि अपने फ़ोन को रिफ्रेश करते रहिए क्लियर कैचे के लिए, ये देखिए एक ये है। इसके बाद आपका एक स्कैनिंग क्लियर होता है, उसको आप कर लीजिए, ठीक है, ये देखिए मैं इसको 26 MB दिखा रहा है, इसके कैचे को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो
आपके ये पांच काम है दोस्तों, बस आपको ये पांच काम करने हैं अपने फ़ोन में और आपका फ़ोन इतना तेज़ इतना बढ़िया चलेगा, बैटरी नहीं खाएगा, आपकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी फ़ोन में, ना हैंग होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ दोस्तों। मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।